दोस्तों, वैसे तो जब भी खूबसूरत वादियों और पहाड़ों की बात होती है तो जम्मू कश्मीर का जिक्र सबसे पहले होता है। हिमालय की गोद में बसा जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में बेस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन कश्मीर की वादियों को ओडिशा के ए हिल स्टेशन टक्कर देते हैं। इन हिल स्टेशन की खूबसूरती देखने के बाद आपको कश्मीर जैसा महसूस होगा। आइए जानते हैं आखिर कौन कौन से ये हिल स्टेशन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल कार्निवल। दोस्तों, ओडिशा में आप अपनी हिल स्टेशन भ्रमण की शुरुआत महेंद्रगिरी हिल स्टेशन से कर सकते हैं। ओडिशा के गजपति जिले में महेंद्रगिरी मौजूद है, जो कि हर तरफ से घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ आप जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियों को देख सकते हैं। इस हिल स्टेशन के सामने कुछ ही दूरी पर फैले नीले समुद्रों को देखने का मजा ही कुछ और है। तो जब भी ओडिशा आइए, महेंद्रगिरी जरूर घूम कर जाइए। नंबर दो पर है दारिंगबाड़ी। ओडिशा में ऐसे बहुत से हिल स्टेशन है जो कश्मीर की वादियों को टक्कर देते हैं। उनमें से एक है दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन। दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन को ओडिशा का कश्मीर कहा जाता है। ये एक छोटा सा बेहद खूबसूरत स्टेशन है, जहां मौजूद प्राकृतिक खूबसूरती कश्मीर की याद दिलाती है। दारिंगबाड़ी कॉफी के बगानों, देवदार के पेड़ों और खूबसूरत घाटियों से घिरी हुई है। दारिंगबाड़ी ओडिशा का एकमात्र हिल स्टेशन है जहाँ सर्दियों में स्नोफॉल होता है। नंबर तीन पर है ढेंकानाल हिल स्टेशन। ढेंकानाल में कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध यहाँ कपिलास मंदिर है, जिसे प्राचीन कलिंग वास्तुकला का हिसाब से बनाया गया है। यहाँ मौजूद प्राकृतिक खूबसूरती आपके दिलो दिमाग में बस जाएगी। इसलिए अगर आप जब भी अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाए तो ढेंकानाल आपके लिए बेहतर डेस्टिनेशन होगा। नंबर चार पर दक्षिण ओडिशा के कोरापुट जिला में बनी देवमाली हिल स्टेशन एक अलग ही नज़ारा पेश करती है। ये देखने में बेहद सुंदर होने के साथ अपने शांत वातावरण से किसी का भी दिल आसानी से जीतने का काम करती है। चारों तरफ फैले हरियाली, हरे भरे मैदान, झरने अपनी खूबसूरती हर जगह फैलाने का काम करती है। इसे ओडिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी माना गया है। बात इस पहाड़ी की ऊंचाई की करें तो ये करीब 5484 फीट ऊंची और करीब 8534 वर्ग में बनी है। बंगाल के पास स्थित ये पहाड़ी अपने प्राकृतिक नज़ारों से दुनिया भर में मशहूर है। जिन लोगों को एडवेंचर का शौक है, उन्हें देवमाली पहाड़ी में घूमने जरूर जाना चाहिए। यहाँ के खूबसूरत झरने और गहरी तंग घाटियाँ, चारों तरफ हरियाली किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। यहाँ पर बना डुडुमा झरने का नज़ारा देखने योग्य है। नंबर पाँच पर गंधमार्दन हिल स्टेशन भारत के ओडिशा राज्य के बरगढ़ जिले में स्थित है। ये पहाड़ी अपने औषधीय जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने औषधीय मूल्य की 220 पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व की सूचना दी है। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि इस क्षेत्र में औषधीय पौधों की 500 से अधिक प्रजातियाँ हैं। यहाँ गंधमार्दन के दोनों ओर दो आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल है, एक बरगढ़ जिले में और दूसरा बलांगीर में। वो पहाड़ी कभी अपनी बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी और अभी भी कुछ बौद्ध खंडहर के अवशेष पाई जाती है। गंधमार्दन हिल में ट्रेकिंग वास्तव में एक समृद्ध अनुभव है, क्योंकि पूरी घाटी में बहती जलधाराएं और बेहद सुंदर परिवेश है। जंगल की प्राकृतिक सुंदरता काबिले तारीफ है, क्योंकि ये पूरी तरह से हरे भरे जंगलों और खूबसूरत हर्बल पौधे और फूलों से घिरा हुआ है।